देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। नए साल के जश्न के बीच जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से दुखद खबर आ रही है। यहां भगदड़ के चलते 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 13 घायल हैं। घायलों को माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात करीब 2:45 बजे जब माता के दर्शन के लिए दरबार पर लाइन लगी थी तभी वहां कुछ युवकों की आपस में झड़प हो गई। इसके चलते धक्का मुक्की बढ़ गई और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर हुई। जम्मू से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर स्थित कटरा में माता का मंदिर स्थित है जो भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। हादसे में मरने वाले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से थे। नए साल के मौके पर माता के दर्शनों की कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है। शनिवार तड़के जब हादसा हुआ तो उस वक्त भी घटनास्थल पर भारी भीड़ मौजूद थी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मंदिर परिसर में इतनी भीड़ और हादसे की वजह से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी में मची भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे घटनाक्रम की स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। वहीं कटरा के नारायणा अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौतों से अत्यंत दुखी हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर ट्वीट करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। नए साल पर माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भवन परिसर में इतनी भीड़ आखिर कैसे जुटी, ये हालात कैसे बने, क्या सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई। ऐसे तमाम सवालों के जवाबों का इंतजार अभी बाकी है। सीआरपीएफ वाले लोगों को पीछे कर रहे थे जिस वजह से लोग पीछे होते गए और लोग गिरते चले गए और एक दूसरे पे गिरते ही चले गए और साथ में कम से कम 3 फुट तक लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, कोई बेहोश हो गया। पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी खबरों को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।